बचपन में जब होश संभाला तो हिमालय के जिस पर्वत शिखर का नाम मैंने सबसे पहले सुना उस शिखर से मेरा लगाव सबसे अधिक रहा है। एक ऐसा पहाड़ जिसको मैं सिर्फ नाम से जाना करता था, वास्तव में उसका स्वरूप कैसा था ये नहीं पता था। छोटी सी उम्र में जब भी कोई बर्फ से ढका पहाड़ मुझे दिखता मैं उसे वही नाम दिया करता जो नाम मैंने सबसे पहले सुना था, पंचाचूली। उस नाम से मेरा लगाव इतना बढ़ चुका था कि मेरे लिए हर एक पहाड़ का नाम पंचाचूली ही था। वास्तविकता में जब पहली बार दूर से उस पहाड़ को देखा तो ज्ञात हुआ कि नाम के अनुरूप पहाड़ का स्वरूप भी वैसा ही था। बचपन में कंचे खेलते हुए कभी अगर नजर चले जाए उस पहाड़ की ओर तो कंचों के उस खेल का मजा दोगुना हो जाया करता था। मैं जब भी कहीं जाता बर्फ से ढकी वो पांच चोटियां मुझे हर जगह से दिखाई देती। उम्र बढ़ती गई और उन पांच पहाड़ों का महत्व मेरे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। कुछ बड़ा हुआ तो जिस पहाड़ का नाम मैंने सबसे पहले सुना था उसको कुमाऊं का सबसे ऊंचा पहाड़ पाया। वक्त गुजरता गया, प्यार बढ़ता गया और उन पांच पहाड़ों को और करीब से देखने की इच्छा निरंतर बढ़ती गई। अगर इरादों में जोश हो तो चाहे हालात कैसे भी हों वक्त के साथ मुकाम जरूर हासिल हो जाते हैं। 12 जून 2021 की वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकता गाइस, जब पहली बार मैंने उन पांच पहाड़ों को अपने इतना करीब देखा था। उस दिन की शाम में एक जादू था। दरअसल जादू उस शाम का नहीं बल्कि उस जगह का था जहां खड़े वो पांच पहाड़ इंसान के तुच्छ घमंड को तोड़ सर उठाए खड़े थे। जगह थी दारमा घाटी और वो पांच पहाड़ियां थी पंचाचूली पीक्स। 21 जून 2021 को मैंने पहली बार पंचाचूली पीक्स को अपने सबसे करीब देखा था और आज की तारीख थी 28 अक्टूबर 2022। लगभग 1.5 साल बाद वापस से इस जगह में आकर मानो सारी पुरानी यादें वापस से लौट आई। इस जगह पे आने के मेन दो रीजंस थे गाइस। एक तो इस जगह से मेरा प्यार मुझे वापस यहाँ खींच लाया और दूसरा कारण था मेरे दो दोस्त जो 4-5 दिन का टाइम निकालकर हल्द्वानी से थल घूमने आए हुए थे। वो प्लान बना के आए थे कि इन 4-5 दिनों में उनको किसी ऐसी जगह में जाना है जहाँ जाकर कुछ ऐसी मेमोरीज बन पाए जो कभी नहीं भूली जा सकती। घर पहुंचकर जब मैंने उनको दारमा वैली की कुछ फोटोज़ दिखाई तो उन फोटोज़ में खड़ी पांच चोटियों को देखकर अब उनका मन भी दारमा वैली जाने का करने लगा। तो फिर क्या था गाइज, अगले ही दिन हम लोगों ने अपना सामान उठाया और पंचाचूली की ओर निकल पड़े। मैं पहले भी यहाँ आकर वीडियोस बना चुका था तो सोचा इस बार भी वीडियो बनाऊंगा, पर इस बार की वीडियो को थोड़ा अलग ढंग से दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको पूरा वॉइस ओवर देखने को मिलेगा और साथ ही कुछ सारी ऐसी डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिनको देखने के बाद अगर आपका मन कभी दारमा वैली आने का करता है तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से यहाँ पहुँच जाओगे। गाइज, ये सफ़र हम लोगों ने थल से शुरू किया था और दारमा घाटी पहुंचने के लिए हमको लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अगर आप लोगों ने भी दारमा वैली आने का प्लान किया है तो आपको यहाँ पहुंचना कैसे है, आपका रूट क्या रहने वाला है वो एक बार आपको बता देते हैं। अगर आप हल्द्वानी साइड से उत्तराखंड में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको हल्द्वानी पहुंचना होता है और हल्द्वानी कैसे पहुंचने हैं वो आप जानो। फिर हल्द्वानी से भीमताल और भवाली क्रॉस करते हुए लगभग 90 किलोमीटर ड्राइव करके अल्मोड़ा पहुंचना होता है। अल्मोड़ा के बाद आप लोगों को अल्मोड़ा से सेरा घाट और बेरीनाग होते हुए लगभग 125 किलोमीटर गाड़ी और चला के थल पहुंचना होते हैं। हल्द्वानी से थल पहुंचने में आपको लगभग 215 किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ती है और थल पहुंचने में लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं गाइस। तो अगर आप चाहो तो थल में होटल लेकर एक रात थल में ही स्टे कर लें यार। पहाड़ों का रास्ता होने के कारण मेरे अकॉर्डिंग गाइस एक दिन में आप लोग थल तक ही चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि धारचूला पहुंचने में थल से लगभग 82 किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ती है जो एक दिन में कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन थल में बिताने के बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को पहले डिडीहाट फिर ओगला होते हुए लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करके जौलजीबी पहुंचना होता है। फिर जौलजीबी से काली नदी के विपरीत चलते हुए बलवाकोट होते हुए धारचूला तक जाना होता है। धारचूला पहुंचने का एक और रूट है गाइस, जो खटीमा, बनबसा, टनकपुर और फिर पिथौरागढ़ टाउन से होते हुए ओगला में हल्द्वानी से आने वाले रास्ते में मिल जाते हैं। तो चाहो अगर आप उत्तराखंड में खटीमा से एंटर करो या फिर हल्द्वानी साइड से एंटर करो, ओगला पहुंचने के बाद दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। धारचूला तक का रास्ता अच्छा है गाइस, पर रोड के असली चैलेंजेस तो धारचूला के बाद आने शुरू होते हैं।
दारमा वैली के इस रूट में धारचूला वो लास्ट जगह है जहां आपको कोई बड़ा टाउन देखने को मिलते हैं। धारचूला के बाद रास्ता धीरे धीरे रिमोट एरियाज की ओर बढ़ता जाते हैं और धारचूला के बाद ज़्यादातर सिम में नेटवर्क्स आने भी बंद हो जाते हैं। धारचूला से आगे हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करते हुए पहले आपको एलागाड़ होते हुए लगभग 17 किलोमीटर की ड्राइव करके तवाघाट पहुँचना होते हैं, जहाँ पंचाचूली से आने वाली धर्मगंगा या धौलीगंगा काला पानी से निकलने वाली काली नदी में मिल जाती है। तवाघाट में एक बड़ा सा ब्रिज देखने को मिलते हैं जहाँ से दो रूट कटते हैं। पहला रास्ता सीधे हाथ काली नदी के पैरेलल चलते हुए ओम पर्वत और आदि कैलाश को जाते हैं और दूसरा रास्ता बाएं हाथ साइड धर्मगंगा के पैरेलल धारमा घाटी और नारायण आश्रम को निकल जाते हैं। अब तवाघाट से आपको धौलीगंगा के विपरीत लेकिन समांतर चलते हुए लगभग 12 किलोमीटर की ड्राइव करके पहले कंचोती नाम की जगह पे पहुंचना होते हैं, जहां से एक रास्ता दाएं हाथ साइड को धर्मगंगा नदी को क्रॉस करके नारायण आश्रम को चला जाते हैं और दूसरा रास्ता सीधा सीधा धारमा घाटी को चला जाते हैं। कंचोती तक रोड फिर भी ठीक ठाक देखने को मिलती है गाइस, पर कंचोती से आगे रोड की हालत कहीं कहीं पे बहुत खराब हो जाती है। कंचोती से धारमा घाटी की दूरी लगभग 38 किलोमीटर की है, पर ये 38 किलोमीटर ड्राइव करने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह गाइस, थल से लगभग 150 किलोमीटर और हल्द्वानी से लगभग 365 किलोमीटर, या कह लो 2 दिन की कठिन ड्राइव करके धारमा वैली पहुंचा जाते हैं। हम लोग सुबह 10 बजे घर से चले थे और रात के करीब 9 बजे धारमा वैली पहुंचे। अक्टूबर के इस महीने में धारमा वैली में जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी गाइस। रात के 9 बजे हम लोग दातू गांव में पहुंचे और पिछली बार की तरह इस बार भी आज का स्टे दातू गांव में ही रहने वाला था। अगर धारमा घाटी की बात करूं गाइस, तो धारमा वैली के अंदर लगभग 14 गाँव आते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 16 की हो गई है। धारमा घाटी दार गांव से शुरू होती है और इस वैली का आखिरी गांव सीपू विलेज पड़ते हैं। अगर धारमा घाटी के अंदर आने वाले गांवों के नाम बताऊं तो दार, बालिंग, सेला, नागलिंग, दुप्तू, दातू, यांगसू, तिदंग, मरछा और सीपू जैसे लगभग 15 से ज्यादा गांव वर्तमान में धारमा वैली के अंदर आते हैं। अगर धारमा घाटी में आने वाले गाँवों की टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो धारमा घाटी की कुल जनसंख्या लगभग 1000 से कम देखने को मिलती है। लगभग 3500 मीटर में होने के कारण यहाँ ठंड के चलते लोग अक्टूबर के बाद 6 महीनों के लिए निचले इलाकों में चले जाते हैं और गर्मियां आने पर परिवार के कुछ लोगों के साथ वापस से धारमा वैली लौट आते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पक्के मकान धारचूला और जौलजीबी में बने हुए हैं, जिस कारण सर्दियों में ये लोग धारचूला और जौलजीबी जाकर रहते हैं, पर पुश्तैनी घरों के धारमा घाटी में होने के कारण घरों की देखभाल और खेती के चलते वापस से धारमा वैली लौट आते हैं। गर्मियों के महीनों में यहाँ के स्थानीय निवासी सैलानियों को होम स्टे और ट्रैकिंग गाइड जैसी सुविधाएं देकर अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। जैसे ही आप धारमा वैली में एंटर करते हो, एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। आसपास ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ होते हैं जिनको नजदीक से देख पाना एक अलग अनुभव होते हैं। धारमा वैली में जितने भी गांव हैं, लगभग सभी गांव में होम स्टे की सुविधा अवेलेबल है गाइस, पर बाकी गांव से अलग दातू गांव में रुकने का जो मजा है ना, वो अलग ही सुकून देते हैं। क्योंकि दातू गांव से पंचाचूली का वो नज़ारा दिखाई देते हैं जिसको देखने के बाद मन करते हैं कि सामने खड़ी इन विशाल हिमालय की चोटियों को बस एक बार छूकर वापस लौटा। दातू गांव में होमस्टे से ही पंचाचूली का जो नज़ारा दिखाई देते हैं, उस नज़ारे के चलते हम इस बार भी दातू विलेज में आकर रुके, पर इस बार का स्टे दूसरे घर में था। अगर होमस्टे की प्राइसिंग की बात करूं तो हम जिस होमस्टे में रुके थे उसकी प्राइसिंग लगभग 1000 रुपया पर पर्सन थी, जिसमें रात का खाना और सुबह का नाश्ता इंक्लूड था। जिनके होमस्टे में हम रुके हुए थे उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गाइज। उन्होंने हमको अपना विजिटिंग कार्ड दिया जिसमें होमस्टे से रिलेटेड बाकी सारी डिटेल्स बताई हुई थी। भैया ने हमको बताया कि वो एज अ टूरिस्ट गाइड लोगों को यहाँ से पंचाचूली जीरो पॉइंट और बाकी ट्रैक्स में भी लेके जाते हैं। तो मैं भैया का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको अगर कभी धारमा वैली जाने का मन हो तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके आसानी से यहाँ आ सकते हैं। और ऊपर से यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर देखने को मिलते हैं, एक पल भी नहीं लगता कि घर से दूर आए हुए हैं। अगर आप धारमा वैली जाते हैं तो सबसे सुंदर नज़ारा जो आपको दिखाई देता है वो नज़ारा पंचाचूली पीक्स का होते हैं। पंचाचूली ग्लेशियर ट्रैक के अलावा धारमा वैली से और भी कुछ छोटे बड़े ट्रैक्स निकलते हैं, जैसे अगर आप चाहो तो नागलिंग ग्लेशियर जा सकते हैं या धारमा वैली के गांव को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका दिनचर्या और उनका रहन सहन जान सकते हैं। पर बाकी सारी जगहों से हटके पंचाचूली ग्लेशियर सबसे अलग और सबसे शानदार जगह है। पंचाचूली ग्लेशियर का जो मेन रूट है वो दुक्तू गाँव से शुरू होते हैं, जहाँ से आप लगभग 5 किलोमीटर ट्रैक करके पंचाचूली पीक के बहुत करीब तक जा सकते हो, इतने करीब कि आपको पंचाचूली की
धड़कन सुनाई थे। अगर मैप्स की मदद से बताऊं तो ये दुक्तू विलेज है गाइस, जहां से पंचाचूली ग्लेशियर का ट्रैक जाते हैं, और ठीक बगल में नदी के दूसरी तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूर दातू गांव है, जहां हमने कल रात स्टे किया था। अगर आप दातू गांव में स्टे करते हो तो ट्रैक शुरू करने के लिए पहले आपको दुक्तू विलेज जाना होते हैं और वहां से ट्रैक स्टार्ट करना होते हैं। अगर दुक्तू विलेज में स्टे कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आप सीधा सीधा दुक्तू से ही ट्रैक शुरू कर सकते हो, पर दुक्तू गांव से पंचाचूली पीक्स नहीं दिखाई देती। तो ये पूरा आपके ऊपर है गाइस कि आप कहाँ रुकना पसंद करते हो। इस ट्रैक में एक और बात है जो इस ट्रैक को बहुत खूबसूरत बनाती है। पंचाचूली ग्लेशियर जीरो पॉइंट का ट्रैक करने के दौरान ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रैक के लास्ट तक पंचाचूली पीक्स हमारे ठीक सामने रहती हैं और पूरे रास्ते भर दिखाई देती हैं। ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर का है, जिसमें पंचाचूली के अद्भुत नज़ारों के साथ ट्रैक के दोनों ओर भोजपत्र का जंगल देखने को मिलते हैं। पुराने समय में जब कागज नहीं होते थे तब लोग भोजपत्र की छाल पर लिखा करते थे। बहुत सारे पुराने ग्रंथ भोजपत्र की छाल पर ही लिखे गए हैं गाइस। नो डाउट ये जगह सच में बहुत सुंदर है, पर सुंदरता सिर्फ जगह की नहीं है गाइस। यहाँ के लोकल लोगों द्वारा कपड़े के बने डस्टबिन बनाकर उनको ट्रैक में जगह जगह पे रखा गया है, ताकि कोई भी यहाँ आए तो कूड़ा इधर उधर ना फैलाए। ट्रैक में 2 किलोमीटर चलने के बाद पंचाचूली बेस कैंप नाम से कुछ हट्स बनी हुई दिखती हैं, जहाँ रुकने और खाने पीने के सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ से पंचाचूली पीक्स का नज़ारा बहुत प्यारा होता है। अगर आप बेस कैंप में रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, पर दुक्तू या दातू गांव की तुलना में यहाँ रहने और खाने के प्राइजेस थोड़े से महंगे हैं। बेस कैंप दुक्तू गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और बेस कैंप से लगभग 2-3 किलोमीटर और चलकर पंचाचूली जीरो पॉइंट पहुंचा जाते हैं, जो लगभग 3900 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। जीरो पॉइंट पंचाचूली ग्लेशियर ट्रैक का आखिरी पॉइंट है। जीरो पॉइंट पे खड़े होकर पंचाचूली का जो अद्भुत नज़ारा दिखाई देते हैं, वो यहाँ आने वाले हर एक यात्री को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन हिमालयन पीक्स की ऊंचाई की बात करें तो इन पांचों में से सबसे कम ऊंचाई की चोटी पंचाचूली 3 है, और सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली 2 के नाम से जानी जाती है। दारमा से पंचाचूली का जो नज़ारा दिखाई देते हैं, वो उत्तराखंड की बाकी जगहों से दिखने वाले पंचाचूली के नज़ारे से एकदम उल्टा होते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो अपने घर साइड से या मुनस्यारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, जहां से भी पंचाचूली पीक्स दिखाई देती हैं, हर जगह से पंचाचूली पीक्स का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देते हैं। पंचाचूली 1 और 2 बाई तरफ होती हैं, और पंचाचूली 4 और 5 दाई तरफ होती है, पर दारमा वैली से ये नज़ारा पूरा उल्टा हो जाता है। दारमा वैली से देखने पर पंचाचूली की पहली और सबसे ऊंची चोटी दाई तरफ दिखाई देती है, और पंचाचूली 4 और 5 बाई तरफ दिखाई देती है, क्योंकि जब हम दारमा वैली पहुंचते हैं तो हम पंचाचूली पीक्स के दूसरी तरफ होते हैं, जिस कारण दारमा वैली से देखने पर पंचाचूली एकदम अपोजिट दिखाई देती है। अगर दारमा घाटी से निकलने वाली नदियों की बात करूं तो दारमा वैली से मेन 2 नदियां निकलती हैं। पहली नदी है दारमा नदी, जिसको दारमा गंगा भी बोला जाता है, और दूसरी नदी है लसरयांग की, जो तिदंग में दारमा नदी से मिलकर धौली गंगा को जन्म देती है। कुछ आगे चलकर धौली गंगा में पंचाचूली से बहने वाली नदी भी मिल जाती है, और इसी तरह नदियां जुड़ती जाती हैं, और धौली गंगा विशाल रूप लेते लेते अंततः तवा घाट में काली नदी से मिल जाती है। वही काली नदी टनकपुर के बाद शारदा का रूप ले लेती है और आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। दोबारा से इस जगह में आकर यहाँ से पंचाचूली पीक्स का नज़ारा पाकर मन सुकून से भर गया। जीरो पॉइंट पे पहुंचकर हम लोग लगभग 1 घंटा वहीं बैठे रहे और सनसेट होने का इंतजार किया। इसी दौरान पंचाचूली से आने वाले टूटते ग्लेशियर की आवाज़ें बहुत भयानक सुनाई दे रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर एहसास हुआ कि दूर से देखने पर बर्फ से ढके ये पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, नज़दीक से उतने ही भयानक है। जैसे ही सनसेट हुआ ठंड बढ़ने लगी। ढलते सूरज के साथ हम लोग भी वापस नीचे की ओर लौट गए, और वापस लौटते हुए जितने भी बार नज़र पंचाचूली पीक्स की ओर जाती, हर बार उन 5 पहाड़ों को कैमरे में कैद करने का मन करता। एक के बाद एक फोटोज लेने के बाद अंधेरे में हम लोग दातू विलेज पहुंचे, और अगले दिन दातू से लगभग 150 किलोमीटर ड्राइव करके थल पहुँच गए। होप करता हूँ गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता है यार। जिन लोगों ने दारमा वैली जाने का प्लान बनाया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना यार, या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए भैया के नंबर पे कॉल कर लेना। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी किसी शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।